अमृत शार बिख बिख खाई माया परम सुत दारा सो गीत लगाई एक उत्तम पन सुनो गुरु संगत तह मिलन जब त्रास मिटाए एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई वाही वाही गुरु रामदास गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई रहता के बसंत गने रहता के बसंत गने पार ब्रह्मा
कीर्तन हर धुनी जाके कीर्तन हर धुनी रहता है प्रसन्न Bye.
छाती बिसरदा था सोई ने चल साच खाए एक हो जाए Ha ha ha.
गुरु प्यारे सच्चे पातशाह जी के बचन आप सारे ने सुने ने। गृह ताके बसंत गनी जाके कीर्तन हर धुनी। साडा जिहड़ा घर है एक दुनियावी घर है, जिहड़ा असी दुनियावी मटीरियल दा कई बारी अपनी पसंद दा बनाउंदे आ। पर एक घर साडा ऐसा है जो मालक ने सानू बना के भेजिया। उस वक्त भी थोड़ी जी साड़ी मर्जी चली जाती नहीं, मरण लिखाए मंडल में आए। बस इन्नी क गल साडे नाल सलाह की, इन्ना क दसिया ऐदों जाना ऐदों आना। घर बना के दे दिता, नाले आखिया कि अपने घर की संभाल करनी है। मोहलत पुन्नी चलना तू संभल घर बार, घर बार की संभाल कि करनी है। इस घर में बसंत आना चाहिए। धरती ते रुत्तां दे हिसाब नाल बसंत जिहड़ा वह साल में एक बारी आउंदा, पर जिहड़ा मालक नाल जुड़िया रहिंदा है उहदे हर श्वास में बसंत होंदा है। तुसीं दुनिया की कहावत सुनी होएगी, नित दिवाली साधकी अठे पैर बसंत। जिदा कई कहावत बन जांदियां ने जी, वाहिगुरू दाल रोटी घर की दिवाली अमृतसर की, यह भी बड़ी मशहूर है पंजाब च, आ भी बहुत मशहूर है। खास करके जिथे बंदगी वाले पुरश इकट्ठे होंदे ने ते आ गल आउंदी है, नित दिवाली साधकी अठे पैर बसंत। नित दिवाली किदा है, दुनिया साल विच एक बारी अपने घर ते दीवे जगाउंदी है। परमेश्वर दे प्यारे दे घर विच सदा ही पूर्ण जोत जगाए, घट में तब खालसता है नखालस जाना है। इदा दिवाली जगदी है। दुनिया दे लोग धरती ते रुत अनुसार साल च एक बारी बसंत वेखदे ने। मालक दे नाल जुड़न वाला जिहड़ा है, आपणे आपां महाराज साहब दे बचन श्रवण कीते, तिस साध बसंत जिस गुर दयाल। हुण जिहदे ते दयाल होवे उहनूं की दिंदा जी, उहनूं अपनी सिफत सलाह दिंदा, उहनूं नाम बख्शदा। ते प्यारिओ जिन्हां दे अंदर हुणे आपां महाराज साहब दे अपक वचन श्रवण कीते, एका खोजै एक प्रीत, यह बसंत वाले की निशानी है। जिहदे घर च बसंत है, जिहदे हिरदे रूपी घर च बसंत है, उहदी निशानी है। एका खोजै एक प्रीत, ते जिहदे घर विच बसंत है एवरी टाइम अपने मन नूं कहिंदा है वाहेगुरु दे प्यार विच खिड़िया रहो। प्रीत पार ब्रह्म मौल ज्ञान कमाईए पूछ जना, वाहेगुरु दे प्यारियां तो पुछ गए
जो ओ रब दे प्यार दे राह दा ज्ञान दसन उनु कमाई है। ए बसंत एक का खोजे एक प्रीत, बड़ा औखा काम जे। जीवन साथी नाल प्यार हो जा हो सकता सौखा, तियां पुत्रा नाल, मां बाप नाल, जायदाद नाल, अपनी देह नाल सब तो वध प्यार हुंदा। बंदा जीवन साथी छड़ दिंदा, तियां पुत्र छड़ दिंदा, धन दौलत छड़ दिंदा, सब कुछ छड़ दिंदा, शरीर छड़ना बड़ा औखा जी। सब तो वध मोह अपने अपनी बॉडी नाल हुंदा। पर कमाल है जीवन मुक्त जिसरदा भगवंत। भगवंत जी दे हृदय च प्रगट है ना जी, है तो सारे दे हृदय जी। कोई हृदय ऐसा नहीं जेड़ा भगवंत तो खाली होए। जिदन हृदय भगवंत तो खाली होता मिट्टी रह जाती पिछे। भगवंत तो खाली नहीं, जेता कीता तेता नाव बिन नाम है ना। मत समझो आ माइक बोलदा पिया ए भी रब दी आवाज है, ओदी मर्जी है जी। एदां दी मशीनरी बना के इहदे चों बोली जाए बड़ा औखा काम जे। ए चीज इस गल तक पहुंचना ए महाराज सच्चे पातशाह तो डर के, महाराज तो डर के बेनतियां करिया करिए। सानू ते ना सानू ते आ आ शस्त्र दिसना ना, आ खंडा दिसना, आ कुरपान दिसना। पर कलगियां वाले ने पूछो ये की है, उन्हें कहना है रब है। तीर तू ही सहती तू ही तवर तरवार, नाम तिहारो जो जब है भय सिंध भव पार। इनू कहिंदे एक हथ वजे एक प्रीत। ते जिहड़ा फिर प्रीत ला के एक नूं खोजना शुरू कर दिंदा, उहदा फिर सुभाग ही बनदा। दर्शन परसन हीत चीत उहदे चित च हमेशा हमेशा यह प्यार रहिंदा कि मैं दर्शन परस लवां, मैं दर्शन करदा ही रहां। उह जदों दर्शन की प्यास जागदी है ते दर्शन की प्यास जिहड़ी है ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਨਾਮ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਤਪਸ਼ ਨਹੀਂ, एक होर भी अगन है जिहदे च तपश ने, वह ब्रह्म अगन है। गुरु साहब दे हुक्म नाल अज तक कई गुरमुख प्यारे हो गए ने। मैनू क्षमा करियो भावें यह विशा नहीं इत्थे, पर एक गल आ गई सामने। ब्रह्म अगन नाल ऐस पंज भूतक शरीर का संस्कार करने वाले भी गुरमुख प्यारे हुए ने। दुनिया कहती ना महाराज साहब गुरु नानक साहब का शरीर नहीं मिलया, वो ब्रह्मा गण ने सेवा करती। मेरे हुण दिमाग च नहीं आ बाबा साधु सिंह जी, मेरे ख्याल साधु सिंह ही ना सी बाबा जी का, निहंग सिंह ओटवा नगर यूपी च। वह सन भी तकरीबन 1975-74 दे लागे छागे की गल है। मैनू पहली बारी मेरे पिता जी ने गल सुनाई, दूजी बारी साढ़े प्रिंसीपल साहब शहीद सिख मिशनरी कॉलेज के सरदार प्रकाश सिंह जी उन्होंने सुनाई, ते तीजी बारी दास ने भाई जंगबीर सिंह जी कथावाचक होरां दे उन्हां ते पूरी डेट दसी, अखबार का नाम दसिया भी फलानी अखबार च आया जिन्हें ब्रह्म अगन नाल अपना संस्कार आपे किया, उहदे च भी तपश नहीं हुंदी। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਚਟਾਈ ਉਹ ਲੱਕੜ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇਕ ਲੱਗਾ।
रवाले साहबानों ने सिर नहीं लगा कितने मासा धूआं नहीं कितने मासा बदबू नहीं ठंड वाहेगुरु जो नाम नाल कोई जुड़ता ना नाम नाल फिर अंदर एक ऐसी अग लगती है जिदे विच तपश नहीं होंदी ओदी ठंड इन्नी प्रबल होंदी है जिवें आपां कहीए ओह तैनूं फलानी फलानी गल दी अग लगी है ओह ऐसी अगन अंदर प्रज्वलित होंदी है जिन्हों रब तो बगैर ओदी पूर्ति कोई नहीं कर सकता पूर्ति मारी अगन की पूर्ति किदां होंदी है उस च बलन पाई जाओ अंदर जदों अगन ब्रह्म अगन सहजे प्रजाली एक चोट सजाया और इको ही चोट कीती ते अंदर वाला किला जिहड़ा सी ना आ जिहड़े पंज चोर बना के बैठे सी ढालता अंदर जिहड़ा बैठे सी उहनूं काबू कर लिया सत संतोख लै नरने लागा तोरे दोए दरवाजा सतसंग जी मैनूं खिमा करियो यह बड़िया डूंगियां विचारां ने महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन सिमरन भजन बख्शन सिमरन भजन आप बेनती करके फिर अगली सत संतोख लै नरने लागा तोरे दोए दरवाजा साध संगत अर गुर की कृपा ते पकड़े हो गढ़ को राजा और सारिया उमर लग जांदियां अंदर वाला नीचे फड़िया जांदा एक भरथरी जी जोगी होए ना भरथरी जी उन्हां दे वचन है मन रे पजीता सब रे पजीते मन रे पजीता सब रे पजीते वो कहते मन दुश्मन जिंदा ते अंदरले दुश्मन सारे जिंदे ने मन दुश्मन जित लिया ते अंदरले सारे जित लिया गल एक की दो बारी अर्थ दोहरा आ गया जदों सत ते संतोख नाल लैके गुरु साहब दे गुरमति सत संतोख नाल लैके शब्द दे आसरे ते शब्द गुर नेजा गड्यो ज्ञान खड़क कर कृपा दीना दूत मारे कर धाई जदों ए खेड वापरी फिर अंदर वाले नूं फड़िया अंदर वाले नूं जदों फड़िया प्यारे हो एक खेड अपनी चतुराई नाल नहीं वापरती कोई दावा ना करे होर किसी ने करना कर लो पर अपनी बेनती है भी असी करन जोगे नहीं दावा नहीं किया जा सकता मैं इन्ना नितनेम करदा मैं इन्ने बजे सवेरे उठदा नहीं दावा किया जा सकता ओए ओदी मर्जी है अगले अगला तेनूं कुछ कहण दा देना कि नहीं ओदी मर्जी है तेनूं अगर सवेरे उठण जोगा रहण देना कि नहीं जे उहने सवेरे उठा लिया ना वाहिगुरु कह के सब तो पहले शुकर कर वी सच्चे पातशाह अज दा दिन वी बख्श दित्ता किड्डी वड्डी खेड है पर जदों तरस मरमत हुंदा ना ते बंदा वाहिगुरु 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 जपदा जां पे ओह जिहड़े साढ़े होर भरा ने कोई राम राम जपदा होएगा कोई अल्लाह अल्लाह कहिंदा होएगा कोई खुदा खुदा कहिंदा होएगा भरा मैं तां कहिआ नाम जपण वाले सारे इको ही हुंदे ने ते जदों सुरत जुड़दी है ते साध संगत जी जिस तरह मच्छी पानी विच चलदी है ना ते मच्छी नूं कोई राह नहीं बना के दिंदा अपने आप राह बनदा जदों सुरत नाम नाल जुड़दी है ना ते मंजलां तय होने वास्ते अपने आप सुरत राह लभदी है ते अपने आप महाराज सच्चे पातशाह सुरती कै मार्ग चल के उल्टी नजर प्रकाशी कृपा हो जाती है पर महाराज साहब नूं क्या करिए महाराज साढ़े अंदर असी एवें 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 गल्लां ना करदे रहिए साढ़े अंदर एक कृपा हो जाए साढ़े अंदर एक प्यास आओ प्यारियो वीर जी ने हुक्म किया सी एक शब्द का मेरी हाथ जोड़ के बेनती है जिहड़ा जिन्हां महापुरखां ने शब्द गाया ना जी ज्ञानी ठाकुर सिंह जी अलमस्त असी मेरा ख्याल रोम रोम ही कोशिश कर ली उन्हां दी रीस नहीं होनी जिन्नी वेदना नाल उन्हां ने इहदी व्याख्या कर दित्ती सुन सुन के
जिहदा दिल पत्थर है उहदा भी दिल जिहड़ा ना दरब जांदा। सो ऐसे महापुरखां दी बराबरी नहीं कीती जा सकदी, पर हुक्म है। इस करके आपां इशारे मात्र, इहनूं इशारे मात्र ही कहांगे, जो कुछ ना कर दिता वह नहीं हो सकता, लेकिन अपना गुरु चरणा के आसरे से थोड़ी बहुत ही कोशिश करते हैं। शब्द है माधो जल की प्यास ना जाए। यह प्रकरण इन्होंने चुन के दिता जी, जिन्हों के घर घर के गुरु साहब का चलो ना इन्हों का लग गया। सच्चे पातशाह की कृपा नाल इन्होंने प्रकरण चुन के दिता। ते आओ जल की प्यास न जाए माधव। सब नु बेनती है महाराज को मंगियो सुरतियां जुड़ जाए। अपने आप नहीं जी जुड़नी, इत इना कुछ भरिया पा दवा जरा ए इना कुछ भरिया पा, जिन्ना मर्जी सोच लो इन्हें बंद होना है। पर जिन्हें बनाया ना जी इन्नी च बंद कर देना, इन्नी च बस ओदे चरणा च बेनती करनी है कि मालिक जी कृपा करो साड़ियां सुरतियां टिक जान। वो कृपा कर दें तो सुरती टिक जाती है जी, कोई औखा काम नहीं जे ओदी कृपा हो। जे ओदी कृपा तो वाझे रह गए तो सारी उम्र भी यत्न करते रहे गल बनती नहीं। मन बस आवै नानका जे पूर्ण कृपा हो। जल की प्यास न जाए माधव। जल की प्यास न जाए जल की प्यास न जाए माधो, जल की प्यास न जाए माधो, प्यास न जाए न जाए न जाए। जल की प्यास न जाए जल की प्यास न जाए जल की प्यास लिखी प्यास न जाए जल की प्यास न जाए माधो, जल की प्यास न जाए माधो, जल की प्यास न जाए। जल में आग में उठी जल की प्यास न जाए
ਤੋਂ ਲੋਚੈ ਸਭ ਤੋਂ
प्यास न जाए। चेता नहीं रहा, फिर तो बस यही चेता रहा है। विण तुल होर जे मंगना, सिर दुखा के दुख दे नाम संतोखी। उतरे मन की भुख, मन बहुत प्यास लागी, मन बहुत प्यास लागी, मन बहुत प्यास लागी, मन बहुत प्यास लागी, मन बहुत प्यास लागी। चिर 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 पाया जय
प्रतख गुरु निस्तारे जो बाणी नाल जुड़ जांदा चित बाणी नाल जुड़ जांदा चित बाणी नाल जुड़ जांदा ओदा रूप हो जांदा। फिर जे चितवनी आ जाए ना जे चितवनी आ जाए ਕੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਮਾ ਧਾਰਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਜੋ ਜਦਵੈ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੈਤਾ ਮਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਵਿਦਤ ਹੈ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰਾਏ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਕਰਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 65 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲਦੇ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਕਈ ਕਿਰਪਾ ਵਾਪਰੀ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਐਸੀ ਵਾਪਰੀ ਐਬਟਾਬਾਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨ ਚ ਆ ਗਈ ਭਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨਾ
ਇਹ ਕਥਾ ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕ ਸਰ ਸਿੰਘੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਹ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾਲਦੇ ਆ। ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਿਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਵਈਆਂ ਤੱਕ ਪਾਠ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਚ ਚਿਤਵਨੀ ਆਈ ਵੀ ਸਵਈਆਂ ਤੱਕ ਪਾਠ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭੋਗ ਪੈਣ ਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਆਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਮਸਤੂਵਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਯਾਦ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਮਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜੀਨ ਖੁਰ ਗੀਰ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੱਖ ਸਾਧ ਸੰਤ ਚੜ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਚੜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਕਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਕਾਬ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਖੁਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਰ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਬੋਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੋਚੋ ਬਈ ਐਡੀ ਬਰਕਤ ਨਾਮ ਦੀ, ਐਡੀ ਬਰਕਤ ਨਾਮ ਦੀ, ਬਰਕਤ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਅਣ ਬ੍ਰਹਮੰਡ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਨੀ, 21-21 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਬਲਾ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਅੱਠ ਅੱਠ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਖੜੇ ਸੌਣ ਔਰ ਚਲਤੇ ਖਾਣਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਇਬਾਦਤ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣਾ, ਪੰਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇਹ ਖੜਿਆ ਖੜਿਆ ਹੀ ਸੌ ਲੈਣਾ ਤੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਚ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਚਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਛਕ ਲਓ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਛਕ ਲਓ ਤੇ ਚਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਚਾਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਜੋੜੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ। ਸਰਬਲੋ ਦੇ ਕੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੜੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੈ ਵਿੱਚ ਕੜੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਚਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੁਆ ਦਿੱਤਾ।
चानी जी के मथे विश्वास था मैं खिमा करो ये कोई बड़ी बनाई गल नहीं ए चानी जी ने मेनू अपने मुंह सुनाई अपने मुंह सामने चलो मैं दस ही देना मेनू कहते बड़े गहर गंभीर भी सी ते बच्चा नाल हसदे भी सी भावे साड़ी किन्नी उम्र हो गई पर उन्होंने बच्चे ही मिले हसते भी होंगे सी कहते जो भाई साहब ने कहा मैं क्या आंडे खा सकदा भाई साहब कहते नहीं नहीं भाई साहब प्यार भी बड़ा करते सी ते वीर रस विच भी आ जाते सी गुस्से च नहीं आते वीर रस च आते गुस्सा होता किसी नाल ईरखा करके वीर रस होता जो परोपकार करना हो भाई साहब ने जो कला छुआया चानी जी के मस्तक नाल ते चानी जी ने मैं आप दसिया कहते मैं जोड़ी बजा रहा सी ज्यों ज्यों जोड़ी बजे ज्यों ज्यों कीर्तन हो गए ते मेरे मन च एक ही गल आई जाए मैं अमृत छकना मैं अमृत छकना मैं अमृत छकना मैं अमृत छकना अगली पता करा माता नभा गए अपनी अमृत छके अमृत का रूप हो गए नभा गए अपनी जो सच्चे पातशाह की कृपा हो जाए ना तो हम महाराज सच्चे पातशाह की दे बाबा गोविंद नाए पार करते ने गोविंद नाम का बाबा Oh, in this song.
मन के अज कतरंग क्यों दर साहिब छुपी है जेहरा चै सच रंग गूड़े रंग अपार के सब्त जी मन की कहन तू याद नहीं कर सकता, तू इधर आ नहीं सकता, ते जाके पिछले पासे बह जांदा है। जदों पिछले पासे बह जांदा है, जिन्हों लोग कहंदे आ भगवान तक उपरन वास्ते आ दरवाजा है, भगवान अपना दरवाजा ही उस पासे कर लेंदा। घर च किसी ने बनना हो ते कोई कवे नहीं तू इधरों दी नहीं बन सकता, प्यार वाला को हो ते आखे मैं पिछले पास्यों दी बन जाना, ते घर दा मालिक कहेगा लै मैं पिछला बुआ फोड़ देना। नामदेव जी लगे पए ने गल, चलो दुनियादारी दे तौर ते आ गए। पांडे कहते बह नहीं सकते साडे च, तुसी इधर भगती नहीं कर सकते, ए पंडिया मोको ढेड कहत तेरी पैज पछौंदी होएला, पिछले पासे जाके बह गए। दास ने उस द्योरे दे दर्शन किते आ, उहदा मूंह ही घूम गया। ए आ जदों ओह जिहड़ा पहुंचिया होया कहिंदा ना माधो जल की प्यास ना जाए, ते जिहड़ा जल दा मालक है ना ओ कहिंदा लै तेरा तेरी प्यास पूरी करन वास्ते मैं मुंह ही तेरे वल कर लेना।
ਲੋਕੀ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਸ਼ਾਰ ਕੀ ਆ ਭਇਓ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਛਾ ਲਾਗੋ ਹਰਫ ਰਹਿ ਕਹਿ ਤੇ ਕਬੀਰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੀ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਛਾ ਲਾਗੋ ਹਰਫ ਰਹਿ ਕਹਿ ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਾਛਾ ਲਾਗੋ ਹਰਫ ਰਹਿ ਕਹਿ ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਟਿਕਦੇ। ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕ ਚਿੱਤ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਓ ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲਈ ਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਜੋ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਰਚ ਜਿਉ ਜਿਉ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਿਉ ਤਿਉ ਧੇਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਵਨ ਮੁਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਜੇ ਬਟਾਲੇ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਬਟਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਦਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਸਾਧਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਬੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜੱਟ ਬੂਟ, ਉਹਨੇ ਚਾਦਰ ਜਿਹੀ ਬੰਨੀ, ਦਾੜਾ ਵੀ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਸਤਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀ ਦੇਹ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮ ਹੈ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨਾ ਟਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ ਸੀ? ਸੁਣਿਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁਰਾਤਨ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਚਰੈ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦਿਓਰਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਕਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਗੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀ? ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਖੜਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਲੁਕਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਚ 1,000 ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਭਦਾ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਜੇਬ ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣ ਹਰ ਹੋਵੇ ਤਿਸਕੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਸਭ ਆਇਆ। ਮਤ ਜਾਣੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਸ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
सब कुछ वसत होता भाने च रेंदे ने। भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी जेल च ने, नारंगवाल अखंड पाठ साहब होया उत्थे कहिंदे लागे मिट्टी का तेल का दीवा जगाता सी, भाषण बड़ी होर तरह की आती सिंघा क्या एडी बरकत है तो निकल क्यों नहीं जाते, कहते भाने च रहना भाने च रहना। प्यारियो निहंग सिंह जी कहते कि भाई साहब जी जे तुहानू पता भी साढ़े अगे कौन खड़ा सी ते तुसी दस दिओ, कहते निहंग सिंह इदा ही बोले निहंग सिंह ये उधर की गुरदासपुर की बोली इदा करके बोल पे निहंग सिंह जो तू कीर्तन कर दिया सी ना, जो तू शब्द पढ़ दिया सी देशवा पर्व होया शुभ कर्म ते कमाऊं ना तरो तेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी खलोते सी, तेरे सामने गुरु गोबिंद सिंह जी खलोते सी। एक हल गल मेरा ख्याल आके 1985 दे शुरू शुरू दी है उत्थे बटाले एक ग्रह विखे कीर्तन सी, उन्होंने उन्होंने महापुरखों कालिया पुरशकों वाले बाबा जी कहते ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋੜ ਲੈਣ ਤੇ ਕਲਗੀ ਧਰਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ। ਜੋ ਜੋ ਨਾਮਾ ਹਰਿ ਗੁਣ ਉੱਚੇ, ਜੋ ਜੋ I'm not afraid of the dark.
मालिक ने सब नूं अपने गुण गाउण ते सुणन दा पल बख्शिया है। जदों सारी संगत रल के कीर्तन करदी है ना, उहदा अपना ही आनंद हुंदा है। कई वारी कईआं दे हिरदे कीर्तन करदे ने, नाल रसना भी करदी है। ये सतगुरु सच्चे पातशाह कृपा करन, जिहड़ा कीर्तन है, हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावै, इस जन दुख निकट नहीं आवै। कीर्तन जरूर चाहिदा, ये नहीं कि असीं कीर्तन करदे आ, हर एक माई भाई नूं कीर्तन करना चाहिदा। हर एक माई भाई नूं कीर्तन क्यों करना चाहिदा? क्योंकि गुरु साहब दा हुक्म है, फिर चढ़ा दिवस गुरबाणी गावै। अपने बच्चियां नूं कीर्तन वल प्रेरो, कीर्तन सिखाओ। चलो मैनूं चेता आ गया, हुण मेरे ख्याल इत्थे होणी नहीं किताब, ते गुरु साहब ने कृपा कीती है, दासां कोलों सेवा लई है। गुरु तेग बहादुर साहब जी दी सारी बाणी गरीब नवाज पातशाह दी कृपा नाल ये पुस्तक है जी, एक नॉलेज कीर्तन प्रकाश। इहदे विच गुरु धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की सारी बाणी जिहड़ी आगां विच है, उहनां सारे शब्दां दीआं ट्यूनां लिखियां होईआं, जिहनूं बंदिश कहिंदे आ। नोटेशन जिहड़े बच्चे जाणदे ने जां वड्डे जाणदे ने, उह इहनूं सौखा समझ सकदे ने, ते जिहड़े नहीं जाणदे, आ सुणिओ, जिहड़े नहीं जाणदे, उह जिहड़ी इहदे आरंभ में थ्योरी दिती हुई है उन्होंने पढ़ के सौखा लर्न कर सकते। एक गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कृपा की सेवा ली है। सो यह इस वक्त अजय सिंह ब्रदर्स वाले को मिलती है, पर दास उन्होंने बेनती करेगा, उन्होंने जोड़ा कोई इतने डीलर हो तक भी भेज दें। गुरमुखी है, मैं इतने दिल्ली देव सिंह बेनती की भाई हरजीत सिंह तमूर नगर वाल ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ,
गुरमुखी इस बहाने सीखनी भी पेगी सारे सो इस वास्ते ये लाभ आप जी लै सकते हो। उस तो अलावा सच्चे पातशाह ने कृपा की थी। भाई साहब लंगर की अरदास हो गई नहीं होनी है अच्छा असि बस हूँ आनंद साहब कर लगे जी ते आप जी संगत जायो ना छेती लंगर छक जो असि भी छका गए गुरु प्यारे हूं तो मैं लगता महाराज कृपा ना लोड़ लग गई हुई लोड़ जो सिंह ने ना सिंह ही ये नहीं कहते भुख लग गई वह तो नाम की भुख की गल जरूर करते हैं पर ढिड की भुख की गल नहीं करते कहते लोड़ लग गई गफे लाने सो सच्चे पातशाह कृपा कर ये तो लाभ लो होर महाराज ने कृपा की है तकरीबन 550 शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी के सारे राग ते मिश्रत राग मुख राग ते मिश्रत राग सारे च महाराज ने कृपा की है ते हौली हौली छप के सारा कुछ संगत के सामने आएगा कि संगतां जिन्ना इतों लाभ लै सकदियां लै सकन। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट शुक्र है गुरु रूप समूह संगतां दा कोटान कोट शुक्र है अपने प्यारे वीर भाई अजीत सिंह जी जिन्होंने सारा उदम किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई अजीत सिंह जी वालों जिथे सतगुरु जी का कोटान कोट शुक्र है आईया संगतां दा भी कोटान कोट धन्यवाद है तुसी समा कढ के मैं लगता 9:30 समाप्ति का टाइम सी की सी हाँ ते महाराज की कृपा ना 10:05 हो गया हुण आपां समाप्ति कर दीए ते गुरु प्यारियो सच्चे पातशाह कृपा करन जदों आपां महाराज कृपा करन जदों दरगाह विच जांदा ना दरगाह विच सचखंड विच बैठा फिर नहीं कहिंदा मेरा टाइम घट फिर कहिंदा टाइम इत्थे ही बीते इत्थे ही बीते ए वी सचखंड है तहां बैकुंठ बड़े तहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे श्रद्धा लाए शुक्र है महाराज दा कि सानू अज सच्चे पातशाह ने 38 मिनट साढ़े मिथे टाइम तो 38 मिनट बाद सचखंड च बिठाया किनी वर्ग आओ जी आनंद साहब राम कली महला तीजा आनंद को आनंद भया मेरी माए आनंद भया मेरी माए आनंद भया मेरी माए आनंद भया मेरी माए सच्चे गुरु I'm not afraid of the dark.
I'm